रांची विश्वविद्यालय में छात्रों के हित को देखते हुए कई वोकेशनल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। वोकेशनल कोर्स पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स माना जाता है। वोकेशनल कोर्स की ना तो समय पर पढ़ाई होती है और ना ही समय पर रिजल्ट निकल पाता है। रांची विश्वविद्यालय के धीमी गति के कारण वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई पर विशेष ध्यान नहीं है। रांची विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स की पढ़ाई होती है। बड़े उम्मीद लेकर विद्यार्थियों ने यहां दाखिला लिया था, लेकिन सभी चीजें विपरीत हो रही हैं। दो साल के सिलेबस को चार साल में भी पूरा नहीं किया जा सका है। यहां पे देखिए, हम लोग का कोर्स ना बहुत ही डिले है। 16-18 हम लोग का बैच था, पीजी कोर्स है, वोकेशनल कोर्स है, लेकिन अभी 16 से 2020 हो गया, अभी तक में सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट्स में पढ़ाई करने वाले छात्र अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा पहला मौका था कि परफॉर्मिंग आर्ट डिपार्टमेंट खुला था और विद्यार्थियों को नया कुछ सीखने जाने का मौका मिला था, लेकिन उस हिसाब से हम लोगों को पढ़ाई लिखाई वहाँ पे डिपार्टमेंट में नहीं हुआ। परफॉर्मिंग फाइन आर्ट सत्र 2016-18 में सिर्फ 22 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। इस विभाग की विडम्बना यह है कि डायरेक्टर बदलते गए और उसी के साथ पढ़ाई और परीक्षा का नियम भी बदलता गया। और सबसे बड़ा समस्या ये है कि हम लोग को गलत फहमी में रखा गया शुरू से, कि जो चीज़ फोर्थ सेमेस्टर में कोई प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन करना होता है थिएटर वालों को कि आप प्ले करके दिखाइए कि भाई जो सीखे हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर का चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर में ही करा दिया गया। बोला गया कि आपका सब हो गया, एग्जाम हो गया, बस आप लोग को थ्योरी पेपर चार बाकी है, आप लोग कभी भी दे के निकल जाइएगा। फिर नए डायरेक्टर आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। खुद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार पांडे भी मानते हैं कि विश्वविद्यालय स्तर से कमी रही है। विश्वविद्यालय के स्तर पर भी रही है, विद्यार्थियों का इसमें कहीं दोष नहीं है। हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि शीघ्र उनका परीक्षा फल प्रकाशित करें। दो साल की पढ़ाई चार साल में भी पूरी नहीं हो पा रही है, मतलब स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी की रिपोर्ट।